हेलो, वेलकम टू एकलव क्लासेस। मेरा नाम मुकेश खत्री है और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सत्य कथन को छाटिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बी की दो राजधानियाँ थी। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांट दिया गया था, जिसमें स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी शामिल थे। स्टेट ए की राजधानी रीवा नहीं थी, ये थी नागपुर। स्टेट बी की दो राजधानियाँ थी, जिसमें पहली थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। और जो स्टेट सी है, इसकी राजधानी थी रीवा। इसके साथ एक और क्षेत्र था जो था महाकौशल, इसकी राजधानी थी जबलपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मध्य भारत नाम है, ये मध्य भारत नाम स्टेट बी को दिया गया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 किसने जीता? फ्रेंड्स, ये जीता है रोजर फेडरर ने, यहाँ पर ये देखिए आप। और ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इनके साथ तीन ग्रैंड स्लैम और है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो साल का सबसे पहला होता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विमल्डन, और जो चौथा है वो है यूएस ओपन। तो ये भी तीन होना बाकी है। पहला हो चुका है, जिसके विनर है रॉजर फेडरर। और वुमेन्स में किसने जीता है? वो जीता है कैरोलिन ने, कैरोलिन वोजनियाकी। ये नाम भी आपको याद रखना है, कैरोलिन वोजनियाकी। फ्रेंड्स, ये तो होगा 2018 के, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको 2017 के भी जितने ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनका पता होना चाहिए। तो आइए फटाफट एक बार हम देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017, ये हुआ था 16 से 29 जनवरी तक। इसमें जो मेन्स सिंगल में जो विनर थे वो थे रोजर फेडरर, और जो वुमेन्स सिंगल में जो विनर थे वो थी सेरेना विलियम्स। और जो मेन्स डबल है, वुमेन्स डबल है और मिक्स डबल है, ये इतने खास नहीं है, बस आप इनको इस वीडियो को पूछ करके आप इनका नाम देख सकते हैं। दूसरा है फ्रेंच ओपन, ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, और ये हुआ था 28 मई से 11 जून तक। मेन सिंगल में जो विनर है वो है राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल में जेलेना ओस्टापेंको, जो है लेतविया की। मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, तीसरा जो साल का ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम है विंबलडन, ये हुआ था 3 से 16 जुलाई तक। और मेन सिंगल में भी जो विनर थे वो थे रोजर फेडरर, और वुमेन सिंगल में जो विनर थे वो थी गर्बिन मुरुगुजा। नेक्स्ट, ये देखिए आप, जो यूएस ओपन है चौथा ग्रैंड स्लैम होता है और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। इसके जो विनर थे 2017 के वो थे सिंगल्स में मेंस में राफेल नडाल, और वुमेन्स सिंगल में थे स्लोवन स्टेफन्स, जो हुआ था अगस्त में। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 2017 की कुछ और ट्रॉफीज, टेनिस की जो मैचेस हुए थे उनकी बात कर लेते हैं। मेड्रिड ओपन, मेड्रिड ओपन, बार्सिलोना ओपन और मोंटे कार्लो ओपन, या तीनों राफेल नडाल ने जीते हैं। मियामी ओपन और इंडियन वेल्स मास्टर, यह दोनों जीते हैं रोजर फेडरर ने। कुछ और हैं, जैसे जो एटीपी का, जो दुबई का जो चैम्पियनशिप हुई थी 2017 की, वो जीती है एंडी मरे ने, ये भी आपको नाम याद रखना है। और जैसे आप में याद रखना होगा कतर ओपन, कतर ओपन जो हुआ था 2017 का, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। चेन्नई ओपन जो हुआ था, ये जीता है रोबर्ट बोटियोस्टा ने। और एक और चीज़ है, जो डेविस कप है, डेविस कप जो देशों के बीच में होता है, वो जीता है अर्जेंटीना ने, ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 7। चलिए आइए समझते हैं इसे किसे। ये देखिए आप, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसे 7 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, जो नीचे का जो हिस्सा है इतना यहाँ तक, ये है सतपुड़ा मेकल पर्वत, फाइन। दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक पूर्वी पठार बोलते हैं, जो है बघेलखंड का पठार, ये देखिए आप। और जो इतना पूरा है, जो ऊपर का जो इतना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये इसे बोलते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश, जिसे हमने 5 भागों में बांटा है। जैसे पहला है देखो मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार,
नर्मदा सोन घाटी चौथा और ये मालवा का पठार। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, विभाजन से पूर्व टोटल इनके पास 61 जिले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो अपने साथ 16 जिले लेकर चला गया। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 जिले रह गए थे। तो आंसर है 45। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि 2003 में 3 जिले बने थे, जिसमें है अशोकनगर जो गुना जिले से अलग होकर बना है, उसके बाद है अनूपपुर जो शहडोल जिले से अलग होकर बना है, और जो तीसरा है वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर है जो खंडवा जिले से अलग होकर बना है। तो आपको यार नाम याद रखना है सारे, और किस जिले से अलग होकर बना है वो भी पता होना चाहिए आपको। आंसर इसका बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जुलाई 1956 में एक अधिनियम पारित हुआ था जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को एक राज्य बना जो था मध्य प्रदेश। और जब जैसे जब मध्य प्रदेश बना था तो उस समय इसके जिलों की संख्या थी 43, तो आपको ध्यान रखना है, और 43 थी। उसके बाद 1972 मतलब 1972 में 2 जिले और बढ़ गए थे, जो थे एक भोपाल था जो सीहोर जिले से अलग होकर बना था, और दूसरा था राजनांदगांव जो दुर्ग जिले से अलग होकर बना था। और जो ये दो राजनांदगांव है ये आज छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, निम्न समितियाँ जिले के पुनर्गठन से संबंधित है। बी आर दुबे समिति और एम एस सी देव समिति, यह दोनों समितियाँ जिले के पुनर्गठन से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बी आर दुबे समिति ने 10 जिलों की और एम एस सी देव ने 6 जिलों की अनुशंसा की थी। इस तरह 1998 में 16 जिले बन गए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? फ्रेंड्स देखिए आप ये कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूर्वी जिला पश्चिमी जिला। अगर आपने अभी तक हमारे जो मेप वाले वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे अगर आप एक बार मेप पे समझते हैं कि पूर्वी जिला कहाँ पर है, या फिर उनकी जिलों की एग्जैक्ट लोकेशन समझते हैं आप, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। जैसे आप देखिए, मैं पहले आपको मैप बता देता हूँ, उसके बाद आप फिर ऑप्शन चूज़ करना। आपने देखिए जो इधर वाला ये ईस्ट हो गया, यहाँ पर ये वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ। बस आप एक बार इन्हें ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद करके इन्हें सोचिए, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर जो पूर्वी जिले हैं इसमें सीधे सिंगरौली, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, यहाँ पर देखिए इतने इतपुरा, यहाँ पर आप नॉर्थ की तरफ देखिए, यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, यहाँ पर देखिए टीकमगढ़, और यहाँ देखिए वेस्ट की तरफ ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, ये सब वेस्ट में आते हैं। और साउथ में देखिए आप ये बुरहानपुर, इधर खंडवा, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, तो ये हुए साउथ वाले ज़िले। अब आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है। देखिए अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? तो आपने देखा कि देखिए सीधी तो पूर्व की तरफ है, मुरैना कहाँ पर है? मुरैना है नॉर्थ की तरफ, और जो बुरहानपुर है ये है साउथ की तरफ, तो बचा कौन सा? झाबुआ ज़िला। तो ये ऑप्शन है करेक्ट। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं फिर से, मुरैना ज़िला कहाँ पर है? ये नॉर्थ में है, यहाँ पर देखिए बुरहानपुर साउथ में है यहाँ पर, और सीधी का सीधे सिंगरौली कहाँ पर है? पूर्व में, तो बचा कौन सा? झाबुआ। तो ये है पश्चिम की तरफ। तो आप इस तरीके से इनकी जो मैप्स अगर कुछ चीज़ याद करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है सतपुड़ा पठार में, जो होशंगाबाद में पंचमढ़ी में स्थित है। और फ्रेंड्स जो धूपगढ़ चोटी है इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसी के साथ यह सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जहाँ पर ये चोटी है, यहाँ पर एक पंचमढ़ी क्षेत्र है, होशंगाबाद में पंचमढ़ी है जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये देखिए आप यहाँ पर ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ से आता है पूरा, ये यहाँ से आता है कि सतपुड़ा मेकाल पर्वत है यहाँ पर देखिए ये, और ये है धूपगढ़। देखिए आप ये धूपगढ़ 1350 मीटर, जो यहाँ होशंगाबाद के पास यहाँ पर है महादेव पर्वत में। और जो सबसे बड़ा जो पठार है मध्य प्रदेश का, ये है मालवा का पठार। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ तक इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये,
ये मालवा का पठार, और जो मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है वो है चोटी सिगार, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आप नर्मदा सोन घाटी यहाँ से तक जा रही है, ये बघेलखंडा का पठार देखिए आप, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है जो है बघेलखंडा का पठार। और जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पर देखिए, ये इतना पूरा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, और ये ऊपर है मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट नेक्स्ट है अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स 2008 की बात है ये, 2008 में दो जिले बने थे, पहला था अलीराजपुर जो ये है, और ये हुआ था झाबुआ जिले से अलग होकर बना था, और दूसरा है सिंगरौली, सिंगरौली जो सीधी से अलग होकर बना था। तो इनकी आपको डेट भी याद रखनी होगी क्योंकि ये जिले बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17 मई, 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बना था झाबुआ जिले से अलग होकर, और 24 मई को बना था सिंगरौली जो सीधी जिले से अलग होकर बना था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है और डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट, नवीन जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा। फ्रेंड्स जैसे वास्तव में जो ऊर्जा राजधानी है वो है बेडन, बेडन, लेकिन जब मध्य प्रदेश बन रहा था सही तरीके से और जिलों का पुनर्गठन हो रहा था तो यह पहले जो क्षेत्र है वो पहले था सीधी जिले में, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि 24 मई को 2008 को सीधी से अलग होकर एक और जिला बना है जिसका नाम है सिंगरौली। तो जो बेडन क्षेत्र है वो सिंगरौली के अंदर आ गया है, तो अब ऊर्जा राजधानी हो गई है बेडन सिंगरौली, ये आपको ध्यान रखना है। जो इस तरह के क्वेश्चन है राजधानियों के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आइए फटाफट इसके बारे में समझ लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल, देखिए आप यहाँ पर मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और पर्यटन नगरी दोनों हैं होशंगाबाद पंचमढ़ी में, यहाँ पर देखिए। ये राज्य की मैंगनीज राजधानी जो है बालाघाट, आपको पता है यहाँ पर मैंगनीज की खदानें हैं बहुत सारी, तो ये है मैंगनीज राजधानी। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जो है जबलपुर, यहाँ पर देखिए ये रहा। उसके बाद है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेडन सिंगरौली, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा सीधी, पहले यह पूरा इतना सीधी था लेकिन जो क्षेत्र है बेडन वो आज सिंगरौली जिले के अंदर है, यहाँ पर देखिए। तो ये हो गया ऊर्जा राजधानी बेडन सिंगरौली। जो सतना है इसे कहते हैं राज्य की संगीत राजधानी मैहर, सतना में क्षेत्र है मैहर जिसे कहते हैं हम राज्य की संगीत राजधानी। यहाँ पर देखिए आप मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है उज्जैन, और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, प्रदेश की खेल राजधानी, यह तीनों है इंदौर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोया स्टेट, नदियों का मायका, लघु भारत, भारत का हृदय प्रदेश, ये सभी कहते हैं मध्य प्रदेश को, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई कितनी थी। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो अभी का मध्य प्रदेश है बच्चे उस पर टारगेट करते हैं, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं मैप में, ये पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर इतना देखिए आप, ये यहाँ से इतना कट कर दिया अगर मैंने आज, तो ये बन गया इधर छत्तीसगढ़ और ये हो गया मध्य प्रदेश। ये बात हो रही है 2000 से पहले की, अविभाजित मध्य प्रदेश है ना, 2000 के बाद छत्तीसगढ़ बन गया है, लेकिन 2000 से पहले जो उसकी लंबाई थी पूर्व से पश्चिम की ओर वो थी 1127 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई थी वो थी 996 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1127 किलोमीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो चौड़ाई थी वो थी 996 किलोमीटर। और आज अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई की, तो यह है 870 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की वो है 605 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2018 किसने जीती। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतिहास बना दिया इस बार विदर्भ ने, 83 वर्ष में पहली बार जीती है विदर्भ ने ट्रॉफी। किसको हराया इसने, इसको हराया है 9 बार के चैंपियन दिल्ली को। चलिए फटाफट हम क्रिकेट के कुछ और महत्वपूर्ण ट्रॉफीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं 2017 की, जिसे आप कुछ नाम याद रखिए, जैसे देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी 2017, ये दोनों जीती है तमिलनाडु ने। वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का 2017 का, ये जीता है इंग्लैंड ने। और रणजी ट्रॉफी 2017 की ये जीती थी
गुजरात ने किसको हराया था इन्होंने, गुजरात ने मुंबई को हराया था। और ईरानी कप जो हुआ था, ईरानी कप जीता है शेष भारत ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती, सौरभ वर्मा ने। धार के खिलाड़ी है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए फटाफट हम बैडमिंटन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप कुछ नाम याद रखिए, जैसे थाईलैंड ओपन 2017 और सिंगापुर ओपन 2017, ये दोनों जीती है BSI प्रणीत ने। इंडोनेशिया ओपन किसने जीता है, ये जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने। मलेशिया ओपन जीता है लिन डेन ने। आप एक और नाम याद रखिए जो है मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री 2017 की, ये जीती है साइना नेहवाल ने। इसमें आप एक और ग्रैंड प्री का नाम याद रखिए जो है सैयद मोदी ग्रैंड प्री, जो 2017 की है, वो जीती है समीर वर्मा ने। और ये तो मेल की बात हो गई, और फीमेल में किसने जीती है, वो जीती है PV सिंधु ने। नेक्स्ट है प्रभा जोशी खेल पुरस्कार 2017 का किसे दिया गया, तो ये दिया गया है चंद्रशेखर चौहान को। फ्रेंड्स, जो प्रभा जोशी खेल पुरस्कार है यह 2013 से शुरू हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यह तीनों नाम ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें भी कुछ ना कुछ पुरस्कार मिला है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं हम प्रभा जोशी खेल पुरस्कार 2017। तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि चंद्रशेखर चौहान को मिला है जो उज्जैन के हैं। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है 2017 का, ये मिला है श्री प्रभाकर कुलकर्णी को, ये भी इंदौर से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार 2017 की, ये मिला है तरुणा चावरे, ये करते हैं मलखम। आपको ध्यान रखना नाम, श्री दविंदर सिंह खनुजा, ये करते हैं पावर लिफ्टिंग, इन्हें भी मिला है विश्वामित्र पुरस्कार। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की, विक्रम पुरस्कार 2017, इसमें आप नाम याद रखिए प्रिंस परमार जो कियाकिंग कैनोइंग करते हैं, सुश्री स्वेच्छा जाटव जो करते हैं वुशु, संजय सिंह राठौड़ निशानेबाजी, सुश्री सोना कीर ये करती है रोइंग, और टीना सिंधिया ये करती है कराटे। नेक्स्ट, कुछ और है विक्रम पुरस्कार पाने वाले, जैसे सेला चार्ल्स ये करती है सेलिंग, अफवान यूसुफ ये खेलते हैं हॉकी, नरेंद्र समेलिया ये खो खो खेलते हैं, और सरिता रेकवार ये करती है पावर लिफ्टिंग, और एक और है धर्मेंद्र अहिरवार ये दिव्यांग है और ये करते हैं तैराकी। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं एकलव्य पुरस्कार 2017 की, इसमें है मनीषा कीर निशानेबाजी के लिए, प्रत्यक्षा सोनी सॉफ्ट टेनिस के लिए, प्रियम जैन वुशु के लिए, माला कीर कियाइंग कैनोइंग के लिए, सुदुप्ति हजेला यह है घुड़सवारी के लिए। नेक्स्ट, कुछ और है एकलव्य पुरस्कार पाने वाले, इसमें तितिक्षा मराठे तैराकी के लिए, विश्वजीत चेंदव रोइंग के लिए, हर्षिता तोमर सेलिंग के लिए, और पीयूष सिंह जो है भारत्तोलन के लिए। तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये इसका आंसर है करेक्ट 7। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इसको फटाफट हम किसे, ये देखिए आप, ये पूरा आप इतना बड़ा देख रहे हैं पूरा, ये है अविभाजित मध्य प्रदेश, देखिए आप इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये अभी इसमें छत्तीसगढ़ इनबिल्ट है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ पर इधर गुजरात 2, राजस्थान 3, उत्तर प्रदेश 4, बिहार 5, उड़ीसा 6 और एक आंध्र प्रदेश 7। इस तरीके से अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा टच करती थी, देखिए आप यहाँ पर। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ से छत्तीसगढ़ इतना कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो अब देखिए आप, अब कितने राज्य सीमा टच करते, जो 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बिहार, ये तो अलग ही हो गए। देखिए आप यहाँ पर, अब सिर्फ मात्र विभाजन के बाद अब सिर्फ 5 राज्य है की सीमा है जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करती है, जैसे देखिए आप महाराष्ट्र 1, गुजरात 2, राजस्थान 3, उत्तर प्रदेश 4 और एक छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर है, बस उसके बाद 3 कट गए, बिहार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, देखिए आप यहाँ पर। तो इस तरीके से विभाजन के बाद 5 और विभाजन से पूर्व 7, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी 2016-17 की किसने जीती, फ्रेंड्स आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए मिलती है, और जितनी भी ट्रॉफीज़ है और स्टेडियम है उनका वीडियो मैं अलग से कवर करूँगा, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि संतोष ट्रॉफी है ये मिलती है फुटबॉल के लिए। किसने जीती है संतोष ट्रॉफी 2016-17 की,
ये जीती है पश्चिम बंगाल ने। किसको हराया था? ये हराया था गोवा को। फुटबॉल की कुछ और ट्रॉफीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए 2017 का, जैसे ला लीगा 2017, चैंपियंस लीग 2017 और स्पेनिश फुटबॉल लीग 2017। ये तीनों रियल मैड्रिड ने जीती है। और जो यूरोपा लीग होती है वो जीती है 2017 की मैनचेस्टर ने। और फीफा फेडरेशन कप होता है, एक फीफा फेडरेशन कप 2017 का जीता है जर्मनी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स इसमें बहुत ही बच्चों कन्फ्यूजन होता है क्योंकि चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। एक तो आता है मुरैना, एक होता है भिंड और एक होता है श्योपुर। ये तीन जिले हैं चंबल संभाग के अंदर। लेकिन जो इसका मुख्यालय है इस संभाग का, वो ना तो मुरैना में है, ना ही श्योपुर में है, ना ही भिंड में है, वो है ग्वालियर में। और ग्वालियर संभाग भी है तो ग्वालियर में दो संभागों के मुख्यालय है, एक तो ग्वालियर संभाग का खुद का और एक है चंबल संभाग का। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 10। मध्य प्रदेश के 10 जिले की सीमा राजस्थान की सीमा को छूती है। ये समझते हैं हम कैसे, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। मान लो कि अगर मैंने यहाँ से मुरैना के ऊपर से एक ऐसी लाइन बनाई और यहाँ से मैंने झाबुआ के पास से ऐसी लाइन बनाई, तो आप देखिए यहाँ पर कि जो राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है आपको पता ही है। और इस तरफ अगर मैंने सिंगरौली के यहाँ से इस लाइन खींच दी तो यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश, और यहाँ से बालाघाट के यहाँ से कर दिया तो मेरे को छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर नीचे अलीराजपुर के यहाँ से नीचे हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ पर हो गया गुजरात। तो देखिए आप कि जो राजस्थान है उससे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ झाबुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए आप 10 जिलों की सीमा राजस्थान की सीमा को टच करती है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए आप, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 13 जिले टच करते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, यहाँ देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छत्तीसगढ़ को 6 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश के। और महाराष्ट्र की बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से महाराष्ट्र को 9 जिलों की सीमा टच करती है मध्य प्रदेश के। और गुजरात में देखिए आप, यहाँ पर 1 और ये 2, इससे गुजरात में है 2। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को, 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को, 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को, 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को और 2 जिले गुजरात की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिले किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते? फिर से इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर है 18। 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। आइए देखते हैं हम इसे भी। देखिए फ्रेंड्स जैसे अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो श्योपुर है और इधर ये गुना है, ये सब इधर टच करते हैं राजस्थान को, और इधर वाले जो क्षेत्र है ये ऊपर वाले, ये सब उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। लेकिन आप देखिए ग्वालियर को, ग्वालियर एकदम बीचों बीच में है, ये किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, वैसे मध्य प्रदेश में 18 जिले हैं। ये देखिए आप इतने जो अंदर ही दिख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे ये इतने पूरे अंदर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक पूरी है, ऐसे कुल मिलाकर 18 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्य की सीमा को टच करते हैं? तो ऐसे है मध्य प्रदेश में 7 जिले जो दो राज्यों की सीमा को टच करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे। देखिए आप, मैंने आपको बताया था अभी कि जो मुरैना है यहाँ से ऊपर आप इधर इस तरफ जाओगे तो राजस्थान आ जाएगा, इस तरफ जाओगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए शिवपुरी को, फ्रेंड्स जो इसका इधर वाला हिस्सा है ये राजस्थान की सीमा को टच करता है, और जो इस तरफ वाला हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 7 जिले हैं। चलो हम देखते हैं फटाफट। देखिए आप यहाँ मुरैना को जो मैंने बीच में से काटा था, तो जो इधर वाला हिस्सा है मुरैना का ये राजस्थान की सीमा को टच करता है, और इधर वाला उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। जैसे शिवपुरी वाला हो गया इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने झाबुआ को कट करा था यहाँ से, तो झाबुआ के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये राजस्थान की सीमा को टच करता है, और जो नीचे वाला है गुजरात की सीमा को टच करता है। जो अलीराजपुर है यहाँ देखिए आप, यहाँ से मैंने कट करा था इसे, तो देखिए आप यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है गुजरात की सीमा को, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। वैसे आप यहाँ पर देखिए बालाघाट को मैंने इस तरीके से कट किया था, तो इधर वाला हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है यहाँ पर। और सिंगरौली को मैंने इतना कट किया था यहाँ से, तो देखिए आप यहाँ पर
सिगरौली का जो नीचे वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश में। और ये कितने हो गए अभी, एक दो तीन चार पाँच छः, और एक है देखिए आप यहाँ पर सात। देखिए सीधी, देखो देखिए आप सीधी जिले में जरा थोड़ा सा हिस्से ऊपर की टच हो रहा है, ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश में, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ में टच हो रहा है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में सात जिले हैं जो दो राज्यों की सीमा को टच करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मॉक टेस्ट विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं तो कमेंट भी कीजिए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।